हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन बेस अप्रोच। इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वह अरिथमेटिक प्रोग्रेस से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9-17-25 मस्ट बी टेकन टू गेट सम एज 450। तो देखिए एपी के एन टर्म का जो सम होता है SN इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस 1 × d होता है। हमारे पास जो एपी दिया हुआ है उसका पहला टर्म 9 है, 17, 25 ऐसे करके है। मतलब ये हुआ कि ए आपका 9 दिया है, डी निकाल लीजिए तो 17 - 9 कर लीजिए। तो 17 - 9 भी कर सकते हैं या तो फिर आप 25 - 17 कर सकते हैं। तो ये आपका 8 आ गया, ये भी आपका 8 आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस आपका 8 है। तो कितना टर्म्स निकालना है, टर्म्स की संख्या। और ये देखिए 450 आपका SN दिया हुआ है, तो 450 N निकालना है। N को एज इट इज रहने दीजिए, 2 × A की वैल्यू 9 प्लस N माइनस 1 D आपका 8 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में तो ये आपका 900 आ जाएगा। n 2 × 9 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 8n - 8, तो इस तरीके से हमें मिलेगा 900 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8n और ये देखिए 18 प्लस और ये 8 आपका माइनस है तो ये आपका प्लस 10 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं 8n² + 10n - 900 = 0। ठीक है, हम लोग क्या करें, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 4n² + 5n - 450 = 0। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है और ये चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं या तो फिर श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएं। तो अगर हम श्रीधराचार्य फार्मूला ना लगा के फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं तो 5n कैन बी रिटेन एज 45n - 40n और ये -450 = 0। 45 × आप -40 करेंगे तो उतना ही आएगा जितना कि 4 × -450 आएगा। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल था, अब ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल था अब क्वाड्रेटिक टेट्रानोमियल हो गया। ट्रानोमियल में 3 टर्म होता है, टेट्रा में 4 टर्म होता है। अब दो दो का पेयर बना लीजिए, इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए तो कॉमन आपका n होगा। तो 4n + 45 और यहाँ आप कॉमन ले सकते हैं 10 ले लीजिए, तो 10 आप कॉमन लेंगे तो 4n होगा और ये प्लस 45 होगा। अब हम देख रहे हैं कि 4n + 45 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 4n + 45 और ये n - 10। यहाँ पे देखिए दो लीनियर फैक्टर है, दोनों लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो बाई जीरो प्रोडक्ट रूल आइदर n - 10 = 0 और 4n + 45 = 0। तो n की वैल्यू हमें 10 मिलेगी और मिलेगी -45/4। तो n चूँकि नंबर और टर्म्स हैं इसलिए ये ना नेगेटिव होगा ना फ्रैक्शन में होगा, मतलब -45/4 नॉट एडमिसिबल होगा। तो फिर एडमिसिबल कौन होगा, तो 10 होगा। तो नंबर टर्म्स इस एपी में, जो हमारे पास एपी दिया हुआ है, इस एपी के
अगर हम 10 टर्म्स लेंगे तो उन सभी 10 टर्म्स का सम 450 होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।